हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। इसी के तहत आज हम बात करेंगे थॉमस कुक के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट दिया है और इसका अगर हम प्रीवियस हाई देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है प्रीवियस हाई दिख जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये एक अच्छी बात है, बट इसके बाद जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। तो इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक होता है तो फिर ये हल्का रिट्रेसमेंट आएगा और ये इस पॉइंट तक इजीली आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो आप कुछ अमाउंट यहाँ पे बाई करेंगे, 1/3 1/4, और उसके बाद जो है अगर जैसे ही लो ब्रेक होता है तो ये पॉइंट जो है आपका सपोर्ट देगा और यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद में ये हल्का रिट्रेसमेंट के बाद काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देगा। ये आप जो है आने वाले 5 से 7 दिन में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्रीवियसली भी कुछ स्टॉक बताए थे तो उनमें आप जो है ये देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प, तो जो मैंने यहाँ पे 3 अप्रैल को बताया था और उसके बाद आज देख सकते हैं 3 अप्रैल से आज 4 से 5 दिन में इसने 15% तक रिटर्न दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक सिलेक्शन है ये आप देखें, सीखें और उसके बाद जो है पेपर ट्रेडिंग करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और फ्रेंड्स, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको खुद एनालिसिस करना है, जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपका पैसा है तो आपका जो है एनालिसिस होना चाहिए, किसी के कहने पर बाई नहीं करना है। हाँ, ये है ब्रेकआउट के स्टॉक मैं दे रहा हूँ, तो उसमें आपको कैंडल वगैरह चार्ट ये सब जो है एनालिसिस करके और उसके बाद जो है बाइंग करना है। मैं अपना जो व्यू है वो शेयर कर रहा हूँ और आप जो है आने वाले 5 से 7 दिन में इसमें देख सकते हैं कैसा मोमेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, 1 टाइम में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपको जो है वेट करना है। एक बार जो कुछ परसेंटेज आप बाई किए उसके बाद में स्पोर्ट का वेट करना है, अगर स्टॉक नीचे गिरता है, अगर ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद जो है आप प्रॉफिट बुकिंग करके अपना जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देखना है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने पूनावाला फिनकॉर्प लिया है और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट लेके आता रहूँगा, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।